हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग एडुकेयर पॉइंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हॉस्पिटल एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। हम मेनली जानेंगे हॉस्पिटल एडमिशन प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है, एडमिशन का मेन पर्पसेस, टाइप्स ऑफ एडमिशन एंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए नर्स इन एडमिशन। ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और जो GNM नर्सिंग एंड BSc के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एडमिशन प्रोसेस का डेफिनेशन क्या है। तो एडमिशन ऑफ ए पेशेंट मीन्स अलाउइंग एंड फैसिलिटेटिंग ए पेशेंट टू स्टे इन द हॉस्पिटल यूनिट और वार्ड फॉर ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम। यानी कि एक पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिशन करने का मतलब होता है पेशेंट को हॉस्पिटल यूनिट या वार्ड में रहने के लिए परमिशन देना, कि वो पेशेंट जिस भी बीमारी से सफ़र कर रही हो उसका ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट कर सके। तो ये था डेफिनेशन ऑफ एडमिशन प्रोसीजर। नेक्स्ट हम जानेंगे पर्पस ऑफ एडमिशन प्रोसीजर, यानी एडमिशन का मेन पर्पस क्या है। तो पर्पसेस है टू प्रोवाइड इमीडिएट केयर, यानी पेशेंट को इमीडिएट केयर प्रोवाइड करना। टू प्रोवाइड कम्फर्ट एंड सेफ्टी टू द पेशेंट, मतलब पेशेंट को कम्फर्ट और सेफ्टी प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है टू रिसीव द पेशेंट इन वार्ड फॉर एडमिशन अकॉर्डिंग टू हिज कंडीशन, मतलब पेशेंट को उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग वार्ड में एडमिशन कराना। नेक्स्ट है टू बी रेडी फॉर एनी इमरजेंसी, मतलब किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रेडी रहना। टू असिस्ट द पेशेंट इन एडजस्टिंग टू द हॉस्पिटल एनवायरनमेंट, यानी हॉस्पिटल की एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने के लिए पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना। नेक्स्ट है टू इस्टेब्लिश ए नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, मतलब एक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप स्थापित करना। एंड लास्ट है टू असिस्ट प्रॉपर डिस्चार्ज प्लानिंग ऑफ केयर। तो ये था मेन पर्पस ऑफ एडमिशन प्रोसीजर। नेक्स्ट हम आते हैं टाइप्स ऑफ एडमिशन पे। तो मेनली दो टाइप्स का एडमिशन होता है, रूटीन एडमिशन एंड इमरजेंसी एडमिशन। अगर हम बात करें रूटीन एडमिशन की, तो इन रूटीन एडमिशन क्लाइंट्स एडमिटेड फॉर इन्वेस्टिगेशंस एंड प्लांट ट्रीटमेंट्स एंड फॉर सर्जरीज, मतलब रूटीन एडमिशन में क्लाइंट्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए, प्लांट ट्रीटमेंट के लिए और सर्जरीज के लिए एडमिशन किया जाता है। रूटीन एडमिशन का एग्जांपल है डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। नेक्स्ट टाइप है इमरजेंसी एडमिशन। तो इन इमरजेंसी एडमिशन पेशेंट्स आर एडमिटेड फॉर एक्यूट एंड इमरजेंसी कंडीशन व्हिच रिक्वायर्स इमीडिएट ट्रीटमेंट लाइक वंड्स, रोइनिंग, रोड एक्सीडेंट्स, फॉल, हार्ट अटैक। मतलब इमरजेंसी एडमिशन में पेशेंट्स को इमरजेंसी कंडीशन के लिए एडमिट किया जाता है जिसको इमीडिएट ट्रीटमेंट का रिक्वायर होता है। जैसे कि किसी को आग लग गई हो, कोई पानी में डूब गया, रोड एक्सीडेंट, हार्ट अटैक हो गया, तो ऐसे इमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए इमरजेंसी एडमिशन का जरूरत होता है। इसके बाद हम जानेंगे रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए नर्स इन पेशेंट एडमिशन, मतलब पेशेंट को एडमिशन के टाइम पे एज ए नर्स आपकी रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है। तो पहला है मेक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट कंडीशन, मतलब एज ए नर्स आपको प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करना है पेशेंट को। ओरियंट पेशेंट एंड रिलेटिव्स टू हॉस्पिटल पॉलिसीज, मतलब पेशेंट को और पेशेंट की रिलेटिव्स को हॉस्पिटल का जो पॉलिसीज होता है वो अच्छी तरह से समझा देना है। ऑब्जर्व पॉलिसीज इन डीलिंग विथ मेडिको लीगल केसेस, जो मेडिको लीगल केसेस है जैसे पॉइजनिंग, एक्सीडेंट केस, इन सब केसेस में पॉलिसीज को ऑब्जर्व करके डीलिंग करना होता है। इसके बाद डील विथ पेशेंट वेरी केयरफुली हु आर सफरिंग फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज, आइसोलेट इफ नेसेसरी। यानी अगर कोई पेशेंट कम्युनिकेबल डिजीज से सफ़र कर रही हो तो उसको केयरफुली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना होगा और अगर नेसेसरी हो तो उस पेशेंट को आइसोलेट करना है। तो इस वीडियो में हमने एडमिशन प्रोसेस की डेफिनेशन, पर्पसेस, टाइप्स एंड रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्कस किया है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड प्रॉपरली। इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल प्लीज लाइक द वीडियो, कॉमेंट डाउन इफ यू हैव एनी क्वेरीज एंड ऑल्सो सब्सक्राइब नर्सिंग एडुकेयर पॉइंट फॉर मोर नर्सिंग रिलेटेड वीडियोज़।